वेलकम टू माय ब्लॉग फ्रेंड्स। आज का ये ब्लॉग है उत्सव रिजॉर्ट और डोवो डैम का। जैसे कि मैंने ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड, क्योंकि एक पार्ट में ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दी। इस वीडियो में देख सकते हैं ये मैं जो मेकअप करने वाली वो सामान था। अब पिकअप हम दोनों पहुँच चुके हैं, बाकी सबको वेट कर रहे हैं। और स्मृति जी भी नहीं आई थी, इसके बाद मैम आ गई, फिर सोनू भी आ गई। अब बारी थी स्मृति जी की, जो थोड़ा ज़्यादा ही लेट कर रही थी। दोस्तों प्लीज़, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं थोड़ी सी, उन लोग के आने के पहले थोड़ी सी रील्स बना ली। फाइनली वो लोग आ गए थे, फिर हम लोग निकल पड़े अपने मंजिल की ओर, यानी कि डोबो डैम। और रास्ता में मुझे बहुत सारी गाड़ियाँ मिली, कुछ कुछ व्यू मिले, कुछ पहाड़ पर्वत मिले, जिसमें मैंने रील्स भी बनाए। पीछे साइड हमें कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैं कुछ कुछ रिकॉर्डिंग करती। फाइनली हम पहुंच गए डोबो डैम। यहाँ पर अब थोड़ा पिक क्लिक की, फिर मैंने थोड़ा सा रिकॉर्डिंग की कि सबको हाय बोलने की। फाइनली हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। अब धीरे धीरे सबको मैं कैमरे की तरफ करके सबको बोल रही थी कि हाय बोलो। हम लोग पहुँच चुके थे, सब एक एक करके हाय हेलो जो भी था बोल रही थी। हमारे साथ दो क्यूट क्यूट बच्चे भी थे, श्रुति और अनीश। फिर मैं श्रुति के साथ आगे चल चल के जाने लगी कि कहाँ पर क्या है। फिर चारों तरफ का रिकॉर्डिंग की कि पूरा पहाड़ है, वाटर फ्लो है, मतलब जो 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 चीज़ वहाँ पर था। धीरे धीरे करते करते फिर अब उसके पास एक जगह पर आ गई, जहाँ पर मे बी पिक क्लिक करने के लिए बहुत अच्छा जगह था। वाटरफॉल था, पानी बह रहा था। फिर हमने वो पिक क्लिक किया। अब सब मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छा जगह दिख रहा था, सब एक एक करके अच्छा जब पिक क्लिक कर गए। मेरा पहले सिंगल लो डॉस के साथ, तो मैंने भी अपना सिंगल फ़ोटो क्लिक करवाया। फिर हमने तीनों ने किया। फिर वहाँ का जो सीन था डैम का या पानी का, सबका हमने थोड़ा थोड़ा पिक भी क्लिक किया। फाइनली हमने घूम लिया और एक पिक भी बहुत अच्छा किया। वहाँ का कुछ सीन था जो बहुत अच्छा आ रहा था, जो पानी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था, वो बहुत अच्छा चीज़ था। जो हमारी मैम सुरेखा मैम ने जिसको रिकॉर्ड किया था, क्योंकि हमें तो अपने ही फ़ोटो क्लिक करने से फुर्सत नहीं मिल रहा, तो हम लोग कहाँ से करते। तो थैंक यू मैम, आपने रिकॉर्ड किया जो आज मुझे काम में आ गया। अब बारी थी हमारे आगे की ओर जाने थी, जहाँ पूरा पानी था। वहाँ पर उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी। मैंने सबको बोला कोई उतरा नहीं, क्योंकि भींग जाएगा। बट मैं तो उतरी, थोड़ी भींगी भी, थोड़ी खिली भी, क्योंकि मैंने सोचा इतनी दूर से गई तो थोड़ा तो मज़ा मस्ती किया जाए। कुछ पिक क्लिक की। यहाँ पर मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी शोभा मैम को, जिन्होंने मेरा पिक और रिकॉर्डिंग दोनों कर दी। थैंक यू शोभा मैम। बट शोभा मैम के रिकॉर्डिंग से मुझे संतुष्टि कहाँ थी, मुझे तो अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग करना था। आदत से मैं लाचार हूँ। फिर मैंने उनसे अपना फ़ोन लिया, कुछ रिकॉर्डिंग मैंने भी किए और इधर उधर से करके रील्स तो नहीं बनाई, बट रिकॉर्डिंग की। चारों तरफ का पानी बहुत ठंडा था, सब कोई वहाँ खेल रहे थे। कुछ कुछ रिकॉर्डिंग की और फाइनली फिर हम ऊपर आ गए। कुछ सीनरी बहुत अच्छा था और पिक क्लिक किया इसका। अब इसके आगे का, यानी कि उत्सव रिजॉर्ट का जो भी हमने मौज मस्ती की, उसमें सेकंड पार्ट में लाऊंगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब।